हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंपा फैमिली वर्ल्ड से, आज मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रही हूँ। ये दोस्तों, मैंने 3 आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इनको अच्छी तरह से पोंछ लूँगी साफ कपड़े से। ये देखो, ये मैंने अच्छी तरह से इनको पोंछ दिया है। अब मैं देखो, मैं एक एक आलू के 4-4 पीस करूंगी। ये आलू मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसको एक बोल में डालती हूँ। अब इसमें मैं ये कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। ये 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी और 1 चम्मच मैदे का डालूंगी। आधा चम्मच मैं ये लाल मिर्च डालूंगी। और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। ऐसे कर करके अच्छी तरह से मिल जाएगा। पानी का डालूंगी जो कि ये सब चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं। ज्यादा नहीं डालूंगी। जी अब देखो, ये सब चीजें मिल गई हैं। दोस्तों, मैंने गैस को जला दिया है और तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया। तेल जो है ना, गर्म हो गया है। अब मैं इसको
दो बैच में तलूंगी। दोस्तों जो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप जल्दी जल्दी मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। दोस्तों बहुत ही बच्चों को पसंद है, बाहर से भी आप लाते हो इतने महंगे पैकेट आते हैं जो घर में आके उनको फ्राई करना पड़ता है। जब घर में आप दो आलू को भी लो तो छिलो बनाओ जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और शाम की चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये कुछ तो खाना ही होता है शाम को। जी दोस्तों मैंने एक बैच निकाल लिया है, अब मैं दूसरे बैच को डाल दी। मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसको मैं फिर कंची करने के लिए दोबारा डालूंगी, एकदम ये क्रंची हो जाएंगे। ये मैं सारे ही एकदम डाल दिए हैं। ये दोस्तों ये देखो ये कितने बढ़िया मेरे फ्रंजर आए बन गए हैं। अब मैंने इनको निकालना है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। और दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च दूर लूंगी, ये देखो थोड़ी सी डालूंगी।
अब थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालूंगी। ये देखो दोस्तों, ये मैंने चटनी रख ली है और ये अब मेरे सैंपल बन के तैयार हो गए हैं। और आपको अगर पसंद आए हैं तो आप मुझे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस किया करो। आपको मेरी वीडियो दिखाई देगी और आपको आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो किया करो। नमस्कार।